इस वीडियो में हम बात करने वाले सिडनी थंडर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हिट के बीच में जो मैच खेला जाएगा 17वां मैच रहेगा, बीबीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखना अगर आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में #1 rank आना चाहते हो तो। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन प्रेडिक्शंस मिलेगी आपको इस वीडियो में। स्मॉल लीग के बेस्ट कैप्टन डिफरेंशियल फिक्स और आपके लिए जीएल के कैप्टन और डिफरेंशियल फिक्स भी बताने वाला हूं। वे मैच खेला जाएगा 27 दिसंबर 1:45 तक ये मैच खेला जाएगा। कहां खेला जाएगा? सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी पे, ठीक है। टीम ओरियो की बात करूंगा तो सिडनी थंडर्स के पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1 मैच के ऊपर जीता है। क्रिस ग्रीन इनके टीम के कैप्टन रहेंगे। वहीं ब्रिस्बेन हिट की बात करूंगा तो पिछले 5 मैचों में इन्होंने भी 1 ही जीता है। जिमी पियर्सन इस टीम के कैप्टन है। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूंगा तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में देखिए 8 मैचेस खेले पिछले 3 सालों में, 4 ब्रिस्बेन हिट 4 यहाँ पर सिडनी थंडर्स ने जीते। मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि मतलब टक्कर का मुकाबला रहेगा इन दोनों में, क्योंकि दोनों भी टीम इतना अच्छा कुछ नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर ये जो मैच रहेगा दोनों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अभी सिडनी का ग्राउंड कैसा है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। पेसर्स में नॉट गेट मच हेल्प इन द इनिशियल ओवर्स एज सरफेस विल नॉट प्रोवाइड द सेम मूवमेंट। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर पहले 6 ओवर्स में यहाँ पर पेसर्स को हेल्प नहीं मिलने वाली है, यहाँ पर स्विंग जो है यहाँ पर नहीं मिलता। दे हैव मोर चांसेस ऑफ स्ट्राइकिंग विकेट्स ड्यूरिंग डेथ ओवर्स। और यहाँ पर क्लियरली ये भी बताया गया है कि पेसर्स को जो हेल्प मिलेगी वो डेथ ओवर्स में सबसे ज़्यादा। यहाँ पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर विकेट्स जो गए हैं वो गए हैं स्पिनर और यहाँ पर स्पेसेस को, और पेसेस को कहा विकेट्स गए यहाँ पर डेथ ओवर्स में। स्पिनर्स हैव बीन इफेक्टिव इफ वी लुक एट द पिच रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस मैचेस एट सिडनी शोग्राउंड स्टेडियम। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल रहेगा आज के मैच के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टीम भी आपकी आज के मैच में यहाँ पर स्पिनर्स होने चाहिए, ठीक है। टोटल 29 मैचेस खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करके 16, बैटिंग सेकंड करके 13 मैचेस जीते। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देख सकते हैं आप 151, ठीक है। अभी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से जो है मैं सिर्फ आपको रिकॉर्ड्स बताऊंगा हेड टू हेड और वेन्यू स्टैट्स की। जैसे ही हम ड्रीम इलेवन पर जाएंगे वहाँ पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कैप्टन वाइस कैप्टन, विकेट कीपर, बैटिंग सेक्शन दोनों भी सारे की चीज़ें यहाँ पर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले आते हैं एलेक्सिस सिडनी थंडर्स के टीम से। 10 मैचेस में 100 रन यहाँ पर 25 का एवरेज है इस बीबीएल में। इस टीम के खिलाफ 10 मैचेस खेले गए सिर्फ 19 का एवरेज है, ठीक है। इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, ये ध्यान में रखिएगा ये रिकॉर्ड, ठीक है। मैथ्यू ग्यूस मुझे पता नहीं कि ये प्लेयर को क्यों खिलाया जा रहा है। मतलब आप देखेंगे 3-3, 0-0 ऐसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, फिर भी ये टीम में खेल रहा है। पता नहीं इस मैच में मुझे लग रहा है चांसेस कम है इनके खेलने के, अगर लेते तो फिर से यहाँ पर ऐसा ही स्कोर देख सकते हैं हमें। रायली रूसो 4 मैचेस में 70, इनका जो यहाँ पर रिसेंट रिकॉर्ड रहा है 14 रन 53 रन 3 रन ऐसा इनका रिसेंट रिकॉर्ड रहा है। इस टीम के खिलाफ भी पहली बार खेल रहे हैं और यहां पर वेन्यू स्टैट भी पहली बार खेल रहे हैं। ओलिवर डेविस जो कि यहां पर पिछले मैच में चोटिल थे, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि ये अगला मैच खेलने वाले या नहीं। अगर यहां पर इसकी जगह पर कोई खेलेगा तो वो रहेंगे बेन कटिंग, जो कि आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका जो रिकॉर्ड रहा है 4 मैचेस में 87-29 का एवरेज है। टीम के खिलाफ भी नहीं खेले और इस वेन्यू पे भी नहीं खेले, ठीक है। अब देखो डैनियल सैम्स इस टीम के खिलाफ देख सकते हैं आप, यहां पर 9 मैचेस बॉलिंग किया है 12 विकेट, मतलब हर मैच में विकेट लेता ही है प्लेयर। और इस यहाँ पर सीजन बीबीएल के 4 मैचेस में 7 विकेट ले चुका है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं हर मैच में 2, तो ये कैप्टनशिप वाइज कैप्टनशिप पिक रहेगी। एलेक्स रॉस बैटिंग करने नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आते, 4 मैचेस में 77 इन्होंने रन बनाए 25 के एवरेज के साथ, ठीक है। टीम के खिलाफ इनका देख सकते हैं, एलेक्स रॉस इस टीम के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलता है। 8 मैचेस खेले गए 182 रन और यहाँ पर 36 का एवरेज, मतलब बहुत बेहतरीन है। 36 मतलब आप देख सकते हैं वो भी एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये प्लेयर जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आज के मैच के लिए। नेथन मैकेंड्रू की बात करूँ तो नेथन मैकेंड्रू इस टीम के खिलाफ ना ही इस वेन्यू पे भी खेले, लेकिन प्लेयर बढ़िया है। और मैं आपको बता दूँ कि डेथ ओवर्स का ये बहुत अच्छा प्लेयर है, डेथ में इनके 2 ओवर्स होते हैं। तो और पिच रिपोर्ट में क्या बताया गया था कि यहाँ पर डेथ ओवर्स में बहुत ज़्यादा विकेट्स मिलेंगी, तो नेथन मैकेंड्रू। क्रिस ग्रीन देखिए सामने टीम के बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, तो क्रिस ग्रीन फिर से यहाँ पर बहुत यहाँ पर खराब चॉइस है। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये जो पिच है स्पिनर्स को हेल्प मिलता है, और क्रिस गेन जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर स्पिनर है, वो राइट हैंडर बैट्समैन को भी इन्होंने अपने करियर में बहुत ज़्यादा आउट किया है। तो क्रिस गेन जो है आज के मैच के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक डिफरेंशियल पिक के चलते आप इनको टीम में रख सकते हो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के, ठीक है। हालांकि इनके रिकॉर्ड जो रहते हैं टीम के खिलाफ 12 मैचेस में 11 विकेट लिए हैं, लेकिन जो यहाँ पर पिच जो है स्पिनिंग ग्राउंड है तो क्रिस गेन बहुत अच्छा कर सकते हैं।
गुरिंदर संधू, और अगेन ये डेथ बॉलर्स, यहाँ पर नेथन मैकेंड्रू और यहाँ पर गुरिंदर संधू, ठीक है। अब फजल फारूकी तो नहीं है इस टीम से, अगर वो होते तो और यहाँ पर टीम अच्छी हो जाती, ठीक है। 6 मैचेस में यहाँ पर इन्होंने 8 विकेट लिए इस टीम के खिलाफ, ठीक है। रिसेट परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 4 मैचेस में यहाँ पर इन्होंने जो विकेट लिए 7 विकेट लिए, मतलब बहुत बढ़िया किए। अब देखो एक ओवर जो होता है नेथन मैकेंड्रू का होता है फिक्स होता है, ठीक है। एक ओवर डेनियल सैम्स का, मतलब कि 16 से 20 ओवर तक यहाँ पर गुरिंदर संधू के जो है ओवर्स होते है 2, ठीक है। और ये प्लेयर सबसे ज्यादा अपने करियर में डेथ में ही विकेट लिया है, तो आज के मैच में भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक रहेगा। ब्रेंडन डॉगेट अगर खेलते तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। फजल फारूकी देखो कम चांस, मतलब कि नहीं बोल सकते आप, यहां पर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो निकाला गया है, तो उनकी जगह पर बेन कटिंग यहां पर आज के मैच के लिए आ सकते हो और आज के मैच के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ठीक है। अब वह बात करते हैं ब्रिस्बेन हिट की, तो मैक्स ब्रायन पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में आए थे, 46 रन बनाए थे इन्होंने, ठीक है। इस टीम के खिलाफ हालांकि 8 मैचेस खेले गए, सिर्फ 16 का एवरेज है, इतना कुछ नहीं है इस वेन्यू पे, यहाँ भी यहाँ पर अभी तक नहीं खेले। कॉलिन मंड्रो की बात करूँ तो कॉलिन मंड्रो ने 5 मैचेस में 158 रन 39 का एवरेज, मतलब 39। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलिन मंड्रो की ऐसी पारी आने वाली है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस लग रहे कि वो यही यहाँ पर मैच हो सकता है, ठीक है। तो कॉलिन मंड्रो देखो इस टीम के खिलाफ तो इनका 40 का लगभग एवरेज है, तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ी पारी यहाँ पर कॉलिन मंड्रो की आ सकती है इस मैच में, ठीक है। मैट रेनशॉ देखो अगर बॉलिंग करते तो ये आपको बहुत अच्छा चॉइस बन जाते क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, लेकिन बॉलिंग नहीं दिया जा रहा है तो कम चांसेस बनते हैं इनके कैप्टन वाइस कैप्टन। सबसे पहली चीज़ तो सिर्फ आपको क्या करना है, देखो बैटिंग बहुत अच्छी होती है इनकी, लेकिन मतलब कंसिस्टेंसली रन नहीं बनाते हैं, ठीक है। कभी यहाँ पर बहुत अच्छा रन बनाते, कभी यहाँ पर 10 रन भी नहीं बना पाते, तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे प्लेयर्स का आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छे चॉइस बन जाते। हालांकि इस टीम के खिलाफ 7 मैचेस में इनका 18 का एवरेज है। सैम बिलिंग्स की बात करूँ तो सैम बिलिंग्स देखे पिछले मैच में बहुत अच्छी फॉर्म पे आ रहे थे, 79 इनका यहाँ पर लगा था, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आज के मैच में ये फर्स्ट इनिंग में जब भी खेलता है ना प्लेयर तो उसका हमेशा अच्छा रिकॉर्ड रहता है, लेकिन जैसे सेकंड इनिंग आती है तो सैम बिलिंग्स अच्छा नहीं खेलते, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सेकंड इनिंग आती है तो जिमी पियर्सन एक बहुत अच्छा चॉइस बनेंगे विकेट कीपर के सेक्शंस में, फर्स्ट बैटिंग आती है तो सैम बिलिंग्स के साथ जा सकते हो, ठीक है। जिमी पियर्सन के साथ मैंने बताया था 12 मैचेस में 29 का एवरेज है इस टीम के खिलाफ इनका इस वेन्यू पे पहली बार खेल रहे। रॉस वाइटले बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, लेफ्ट आर्म यहाँ पर बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा मतलब कि स्पिन भी करते हैं और यहाँ पर मीडियम फास्टर भी डालते हैं, मतलब कि ये प्लेयर ऐसा है यहाँ पर स्पिनिंग भी करता है कभी कभी और यहाँ पर मीडियम फास्टर भी डालता है, ऐसा ये प्लेयर है, ठीक है। 3 मैचेस में 46 रन, पिछले मैच में 1 विकेट लिया था इन्होंने, ठीक है। वो स्पिन पिछले मैच में इन्होंने स्पिन किया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये जो प्लेयर रहेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कब रहेगा, अगर इस मतलब कि ब्रिस्बेन हीट की टीम जो है पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। बैटिंग करती है तभी यहाँ पर रॉस वाइटले बहुत ज़्यादा अच्छा रहेंगे, ठीक है। माइकल निसर, अब देखो माइकल निसर जो यहाँ पर विकेट्स लिए हैं 2 मैचेस में यहाँ पर 6 विकेट्स लिए, और ये जो विकेट्स हैं ना पहले अपने 2 ओवर्स में ही लिए हैं, मतलब कि इनिंग के पहले ओवर 2 ओवर्स में लिए। क्यों लिए हैं, क्योंकि दोनों ग्राउंड्स पर अभी तक जो खेले हैं उन्होंने वहाँ पर स्विंग मूवमेंट बहुत अच्छी मिली है, लेकिन आज के ग्राउंड पर पिच रिपोर्ट में बताया गया है कि सीम मूवमेंट कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ध्यान में रखिएगा माइकल निसर आज के मैच के लिए थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस नहीं बनते, क्योंकि उनका रिकॉर्ड देखिए आप तो माइकल निसर ने अपने मतलब कि लगभग मैं बोल सकता हूं पहले ही ओवर में हमेशा यहां पर 2 विकेट से 1 विकेट लिया है। वो क्यों लिया है, क्योंकि उनको स्विंग मिला है तब भी माइकल निसर को विकेट मिलते हैं, लेकिन इस पिच पे जो है यहां पर मतलब कि आज के मैच में इस ग्राउंड पे सेम मूवमेंट नहीं मिलता है, पिच रिपोर्ट पे बता दिया है क्लियरली, तो वहां पर माइकल निसर बहुत ज्यादा रिस्की प्लेयर रहेगा, ये भी ध्यान में रखना। जेम्स बैसले मेरा आज का इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ये कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रहेगा, ध्यान में रखिएगा अगर टीम इनकी पहले बैटिंग करती है तो फिर तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत अच्छी चॉइस बनेगा। आज मुझे लग रहा है कि जेम्स बैसले कम से कम 2+ तो विकेट्स लेगा ही लेगा, प्लस बैटिंग से भी बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अब मार्क स्टिक्सटी ये भी यहाँ पर कहा करते हैं डेथ में बॉलिंग करते हैं, तो डेथ में यहाँ पर देखिए आज के मैच में जो ब्रिस्बेन हीट के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी यहाँ पर बैटिंग भी है बॉलिंग भी है, ठीक है। हालांकि कुछ मैचेस हारे हैं लेकिन बहुत क्लोजली हारे हैं, ठीक है। लास्ट ओवर तक कुछ मैचेस गए, बहुत सारे मैचेस यहाँ पर इनको लास्ट ओवर तक गए, जैसे सिडनी थंडर्स 1-sided हारती आ रही है, लेकिन ब्रिस्बेन हीट जो ऐसी टीम है जहाँ पर बहुत सारे क्लोज मैचेस गए और वो भी एक स्ट्रांग टीम के साथ, तो मार्क स्टिक्सटी
बहुत इंपॉर्टेंट। मार्क कुनेमान जब भी स्पिनिंग ग्राउंड होता है ये प्लेयर सबसे बेस्ट करता है। मिचेल स्वैपनर बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टॉप लीग्स हेड टू हेड रिकॉर्ड से यहाँ पर कॉलिन मंड्रो उनका 40 का एवरेज है टीम के खिलाफ, जिमी पियर्सन का 30 का एवरेज है, डैनियल सैम्स देखिए बॉलिंग से बहुत अच्छा करते हैं इस टीम के खिलाफ, एलेक्स रॉस का यहाँ पर 36 का एवरेज है। टॉप डिसमिसल्स की बात करूंगा तो बेन कटिंग को मार्क 60 ने यहाँ पर 9 बॉल में ही 3 बार आउट किया है। कॉलिन मंड्रो को यहाँ पर देख सकते हैं बेन कटिंग ने 3 बार आउट किया है और क्रिस गेल ने 2 बार आउट किया है। एलेक्स रॉस की बात करूँगा तो एलेक्स रॉस को देख सकते हैं आप यहाँ पर मार्क स्वेप्सन ने 8 बॉल में 2 बार आउट किया है। क्रिस ग्रीन को देखो माइकल निसर ने 2 बार आउट किया है और एलेक्स हिल्स जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये मैचअप होगा 14 बॉल डाले हैं, 9 रन सिर्फ और 2 विकेट, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर मार्क 60 इनके सामने करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ कि आज के मैच में आखिर करना क्या है। सैम बिलिंग्स पियर्सन यहाँ पर क्या आएंगे विकेट कीपर के सेक्शन में और गिल्स। आपको स्मॉल लीग में यहाँ पर क्या करना है, अगर टीम पहले बैटिंग करती है इनकी मतलब कि सिडनी थंडर्स की टीम तो सैम बिलिंग्स के साथ जाना है, अगर सेकंड बैटिंग करती है तो जिमी पियर्सन के। दोनों भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं है और गिल्स तो ऑफकोर्स नहीं ही रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सिर्फ आप अगर इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बैटिंग के सेक्शन से आपको यहाँ पर आज के मैच में दिखेंगे यहाँ पर ओ डिविज के कम चांसेस है यहाँ पर खेलने के। तो बैटिंग के सेक्शन से देखो आप स्मॉल लीग के टीम में जो आज के टीम में रखना है आपको कॉलिन मंड्रो को रखना है, एलेक्स हेल्स को रखना है और रैली रूसो को रखना है। ठीक है, इन 3 प्लेयर्स को रखना है। और आपको अगर ग्रैंड लीग में बात करूंगा तो बात करूंगा ज़्यादा इस टीम की अगर पहले बैटिंग आती है यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट की तो यहाँ पर रॉस वाइटले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। डिफरेंशियल पिक्स भी बता रहा हूँ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, रॉस वाइटले और यहाँ पर आपके लिए यम ब्रायंट, क्योंकि अभी तक फॉर्म अच्छा यहाँ पर आया है, मतलब कि पिछले मैच में इन्होंने फॉर्म जो है पकड़ा है तो इस मैच में भी अच्छा करने को देख सकते हैं यम ब्रायंट। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल और ग्रैंड लीग में कौन से पिक करने हैं आपको, रॉयस वाइटले और मैक्स ब्रायंट, और ये चारों में भी आपके लिए सिर्फ कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच के लिए मैं बोलूंगा कॉलिन मंड्रो ही रहेंगे, बाकी कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये बैटिंग के सेक्शन से रहा। ऑलराउंडर के सेक्शन से आपको यहाँ पर आज के मैच में दिखेंगे, पहले बता देखो कि स्मॉल लीग में कौन से रखने, स्मॉल लीग में आपको यहाँ पर माइकल निसर, जॉर्ज बैजले और यहाँ पर डी सैम्स, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉर्ज बैजले रहेगा जो कैप्टन वाइस कैप्टन पिक रहेंगे आज के मैच के लिए। यहाँ पर 2 पिक्स रहेंगे, डैनियल सैम्स और जॉर्ज बैजले। ठीक है, ये 2 रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन। अब माइकल निसर को क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है इन बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है और बैटिंग से कुछ किया भी नहीं इन्होंने बराबर, तो बॉलिंग से ही यहाँ पर अच्छा कर रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले ही 2 ओवर्स में विकेट मिलते हैं, बाकी 2 ओवर्स विकेट ले जाते हैं। उसका रीजन क्या है, पहले यहाँ पर 2 ओवर्स में स्विंग मतलब कि स्विंग मिलता था इनको, लेकिन इस पिच पे जो है पिच रिपोर्ट बता गया है कि स्विंग मूवमेंट नहीं मिलता है, तो वहां पर माइकल निसर की जगह पर कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होगा मेरा, जॉर्ज बैजले और यहाँ पर डैनियल सैम्स। ठीक है, ये बॉलिंग के सेक्शन से रहेंगे और यहाँ पर ऑलराउंडर के सेक्शन से रहेंगे। अब बॉलिंग के सेक्शन से आपको क्या करना है, बॉलिंग के सेक्शन से देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मेरे आज का यहाँ पर रहेगा, जी संधु एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क स्टिक्टी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और नेथन मैकेंड्रो, ये 3 प्लेयर जो है आज के मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब स्पिनिंग ग्राउंड है तो स्पिनिंग ग्राउंड में आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक्स बताता हूँ, डिफरेंशियल पिक्स क्रिस ग्रीन और यहाँ पर मार्क कुनेमान रहेंगे और जो दूसरा बॉलर जो रहेगा यहाँ पर मार्क स्वेप्सन। ठीक है, ये जो यहाँ पर प्लेयर्स है यहाँ पर आपके लिए कौन से रहेंगे, मतलब कि स्पिनिंग जो भी यहाँ पर रहेंगे ना तो वो आपके लिए क्या रहेंगे, डिफरेंशियल पिक्स रह सकते हैं आज के मैच के लिए। ठीक है, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन जैसे कि मैंने 3 ही प्लेयर बता दिए, जी संधु, मार्क स्टिक्टी और नेथन मैकेंड्रो, ये 3 ही प्लेयर बॉलिंग के सेक्शन से कैप्टन वाइस कैप्टन दिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन जाना है तो यम कुनेमान, मार्क स्विफ्सन और क्रिस गेल, ये 3 भी आपके लिए डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन बन सकते हैं ग्रैंड लीग्स में। ठीक है, स्मॉल लीग में तो देखो 3 फास्टर्स के साथ ही जाना है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं 3 भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेंगी मेरी आज की प्रेडिक्शंस। स्मॉल लीग की टीम की बात करूँ तो स्मॉल लीग की टीम में मैंने जो कैप्टन किया है आज के मैच में यहाँ पर डैनियल सैम्स, वाइस कैप्टन यहाँ पर मार्क स्टिक्टी, दूसरे कौन से चॉइसेस है आपके लिए, यहाँ पर जी संधू, जे बैजले और यहाँ पर कॉलिन मंड्रो, ये 3 चॉइसेस बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों लाइव यहाँ पर एंड तक वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।